में बैठने के सपना सबको होती है, मगर गाड़ी को वही खरीद पाते हैं जिसके पास पैसा होती है। अगर आप इसको गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा है तब सब चीज़ है, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं है। तो आप ज़िंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपके बारे में लोग क्या कहते हैं आपको वो समझना नहीं है, आपको क्या करना है वो आपको देखना। तो यहाँ से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप एक टोटो लेना चाहते हैं, टोटो के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप यहाँ से आते हैं तो आपको कितना पड़ेगा, अगर एक बार आप बैटरी चार्ज करते हैं तो बैटरी कितना घंटा तक चलेगा और कितना इसमें वजन आप इसको लाद के ले जा सकते हैं। तो चलिए मिलाते हैं जो यहाँ के ओनर है, उससे खुद मिलाएंगे, उससे खुद पूछेंगे कि मतलब किसका क्या डिटेल जानकारी है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हाँ, तो आपका अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम प्रवीण प्रणव है। अच्छा, आपके यहाँ कौन कौन सी गाड़ी है? हमारे पास हमारे फॉर्म का नाम है पीमा ऑटोमोबाइल। अच्छा। हमारे पास एक ही कंपनी की गाड़ी है एवन की। अच्छा। जिसकी साइकिल आती है, आप लोग लुधियाना में इनका प्लांट है, आप जानते हैं साइकिल हमारे पापा दादा लोग चलाएंगे जी, उन्हीं का ये साइकिल आती है। उसी कंपनी ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है और ये थ्री व्हीलर और टू व्हीलर लॉन्च किया है। अच्छा, अगर एक बार इसमें बैटरी चार्ज करते हैं तो कितना घंटा तक टिक सकता है चार्ज? एक चार्ज में आपको ये 125 किलोमीटर। अच्छा, अगर कोई यहाँ से लेना चाहे तो उसके लिए क्या पेमेंट कितना जमा करना पड़ेगा? आपको यहाँ जमा करने के लिए 65,000 रुपया चाहिए। अच्छा, तो देखें जैसा कि देख रहे हैं कि दोस्तों, अगर आप यहाँ टोटो लेना चाहते हैं, एक बार अगर आप आना चाहते हैं तो कम से कम 65,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। तो आपको दिखाते हैं, मतलब ये इसमें जो क्या क्या ये दिया हुआ कैसा फीचर दिया हुआ इसमें, तो आप इसको दिखा सकते हैं कि इसमें सर हमारा फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले आप आगे से शुरुआत करें हम लोग जी। ये जो ग्लास दिया जाता है कि कस्टमर, सबसे हैवी ग्लास है ये। अच्छा, मार्केट में आप देखेंगे लोकल मिलते हैं जो कि हैवी है, बहुत ये गिरने के बाद भी टूटता नहीं। अगर वैसे टूटने का टूट जाएगा, मगर नॉर्मल गिरने पे टूटता नहीं है। अच्छा, इसमें भी स्टील का यूज किया गया है। अच्छा, आप आएंगे आगे बढ़ेंगे जैसे ही आप देखेंगे हमारे गाड़ी का लंबाई और चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई गाड़ी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है? लंबाई चौड़ाई के कारण आप रोड पे चलते हैं, कहीं ढलान पे चलते हैं, गाड़ी रोड पे बैलेंसिंग होकर चलती है, जिसको पलटने का चांस कम रहता है। अच्छा अच्छा। दूसरे देखेंगे आपकी दूसरी गाड़ी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ड्राइवर सीट जी। ड्राइवर के पास इतना स्पेस रहता है, आप इसको ड्राइवर स्पेस देखेंगे, इतना स्पेस रहता है ताकि ड्राइवर आसानी से चल सके, उसको कंफर्ट रहेगा तो गाड़ी पलटने का भी चांस कम रहेगा। अच्छा। इसलिए हमारे पास यहाँ स्पेस देखेंगे कि बहुत अच्छा स्पेस ये है ड्राइवर के लिए, वो फ्री होके चलाते हैं गाड़ी में जी। आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ है, पैर में ब्रेक डालने के लिए भी है जी। और अपना पैर को मूवमेंट करेंगे, नहीं तो बहुत जगह ये छोटी रहती है, बहुत कंजेस्टेड में ड्राइवर रहती है और कंजेस्ट बैठ कर जिसके कारण कुछ घटना घटने के ज्यादा चांस। ये क्या है इधर दिखाइए? ये सर ये म्यूजिक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप ब्लूटूथ पेन ड्राइव से आप ये इसको FM मोड सब कुछ से आप गाना सुन सकते हैं। अच्छा, देख सकते हैं। यहाँ कितना आदमी बैठ सकता है? मिनिमम एक ही आदमी। हाँ, मिनिमम ड्राइवर के लिए बैठने के लिए है। अच्छा अच्छा, इसमें कितना आदमी तक बैठ सकता है दोनों तरफ? दोनों तरफ देखिए RTO पास के अनुसार तो दो दो गाड़ी बैठने का है, 4 आदमी से एक ड्राइवर 5 से नहीं बैठता, मगर हमारे यहाँ लोकल में तो आदमी बैठा देता है ज़्यादा ज़्यादा बैठाना नहीं चाहिए, मगर इसमें 4 का ही अप्रूवल है। वो 4 जो बैठेंगे इसमें देखेंगे स्पेस इतना है इसमें कि एक दूसरे का पैर नहीं लगता जी जी। और ये भी देखिए आप स्टील का लगा हुआ है, जिंदल का स्टील लगा हुआ है इसमें फ्रेम में, जो कि आपको धूप में बारिश में अगर ये लोहा अगर हम दें तो इसमें फिर जंग धरेगी, फिर कस्टमर को 1 साल के बाद फिर से पेंटिंग XYZ बहुत चीज़ों करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग स्टील फ्रेम में यूज करते हैं जो कि उनके लिए सुविधा। अच्छा, एक बार अगर इसको चार्ज करते हैं तो कितना घंटा तक चल सकता है? घंटा इसमें नहीं होती है, इसमें किलोमीटर होती है। अच्छा अच्छा जी जी। आप उसको 125 किलोमीटर है उसको आप ये 2 घंटा में खत्म कर दें या 5 घंटा में करें, 125 किलोमीटर जाएंगे। इसके बाद ये देखेंगे इसका ये बम्पर ये जो है बहुत हैवी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें आप तो इधर देख सकते हैं कि अगर हम इस पर दोनों पर करते हैं बैठते हैं तो मतलब लग रहा है कि बहुत ही मजबूत है, आपको देखने में अच्छा लगेगा। और इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, और हमारी कंपनी का नाम तो वही A1 जो बताए। अच्छा अच्छा जी जी। अच्छा, इसको दिखा सकते हैं? ये भी वही मॉडल का है, मॉडल सेम है हमारे पास। अच्छा, कलर अलग वेरिएंट अलग। अच्छा, कलर अलग है तो इधर वेरिएंट सेम है। हाँ, तो देख सकते हैं कि मतलब मॉडल वही है, कलर आपको अलग अलग से मिल जाएगा इधर को देखने के लिए। तो आप इधर आइए, आपको मतलब ये देखने में वैसे मिलेगा। ये क्या लगे हुए हैं, बल्ब के लिए है क्या? हाँ, ये अंदर का
पैसेंजर लाइट बोलते हैं इसको। अच्छा, रात में अगर पैसेंजर किसी को पैसा देंगे, आप ये लाइट जला के आप पैसा ले सकते हैं, दे सकते हैं। ये लाइट लो है, केबिन लाइट बोला जाता है इनको। इधर कुछ ये करने का है, सामान वन रखने का, देखिए सामान ही है, पैसेंजर बैठेंगे ना। अच्छा नहीं, वो बॉक्स की तरह जो बना हुआ बैटरी है। अच्छा इसमें बैटरी है, इसमें क्या रखा हुआ है इसको दिखाइए। इसमें आप देखेंगे कि इसमें गाड़ी जो चलती है कंट्रोलर, अच्छा गोल्ड कलर का देखेंगे, ओरिजिनल कंट्रोलर का यही पहचान है। अच्छा, सीवाय गोल्ड की। हाँ, ये कंट्रोल हुआ है, कन्वर्टर हुआ है, इसमें सारा कुछ ये आती है गाड़ी का, इसी से चलती ऑपरेट होती है। अच्छा, तो आप इसमें एक बार दिखा सकते हैं, बैठ के दिखाइए, बैठ के दिखाइए हमारे वीडियंस को, बैठ के दिखाइए। मस्त लगता है देखिए, देखने में आपको ये सिस्टम दिया हुआ, म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ। अगर इसको कहीं यहाँ से परचेज करना चाहें तो आप यहाँ आके परचेज कर सकते हैं। मिनिमम आपको 65,000 तक पैसा रुपये जमा करना पड़ेगा। तो आपको और दिखाते हैं कि मतलब ये इसको लेने के सपना हर एक आदमी का होता है, ये दिखा सकते हैं। ये आपको कंपनी का मिल जाएगा। आप एक बार अपने जो एड्रेस है वो बता दीजिए। ई वर्ल्ड ऑफ एमन पामा ऑटोमोबाइल, कप्तान पारा खुशीबा। अच्छा, और हमारा वो बोर्ड भी लगा हुआ, आप उनको भी आप। हाँ, तो देखिए इसका इधर बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप ये क्या यहाँ से टोटो खरीदना चाहते हैं, टोटो लेना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। वो कौन सा है भाई साहब, उसके बारे में बता दीजिए। ये माल ढोने वाली गाड़ी है। अच्छा, मतलब सामान से लिए आपके इसमें 10 क्विंटल तक आसानी से आप माल इसमें ढो सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी A1 का है। A1 कितना पड़ जाएगा कोई लेना चाहे यहाँ से? तो इसको 2,18,000 पड़े। 2,18,000 अगर इस पे लेना चाहे, डाउन पेमेंट पे लेना चाहे तो उतना ही पड़ेगा, 65,000 पड़ेगा। अच्छा, इधर दिखा सकते हैं, ये ढोने के लिए, माल उल ढोने के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट रहेगा। आपको कह रहे हैं कि ये अगर गाड़ी आप खरीद लेते हैं तो तेल की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं, आप देखने में भी क्वालिटी अच्छा लग रहा है, और इसको अगर आप ले सकते हैं तो मिनिमम आपको 65,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ से ले जा सकते हैं। आप उधर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे यहाँ है टोटो है, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोग टोटो लेंगे, तो हमने आपको पूरी जानकारी दी टोटो के बारे में। जो लोग इसे टोटो के बारे में सोच रहे हैं, लेना चाहते हैं, उसे क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे क्या कहेंगे, आइए हमारे प्रोडक्ट को भी देखिए, अगर पसंद आए तो आप लीजिए। अच्छा अच्छा, जो सबसे सेटिस्फेक्शन अगर मिल जाए हमारे प्रोडक्ट में, वो चीज़ आपको फुलफिल कर रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट लीजिए। अच्छा, अदरवाइज आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तो। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा बात करके भाई साहब से। भाई साहब ने यहाँ टोटो के बारे में पूरी जानकारी, और इधर दिखा सकते हैं कि आपको अंदर लेके जा रहे हैं, अंदर आपको बताएंगे स्कूटी के बारे में। इधर देख सकते हैं, इधर आपको मिल जाएगा चार्ज लेवल स्कूटी देखने को मिल जाएगा A1 का। आप अगर यहाँ आ सकते हैं तो इसको भी आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको देखने में बहुत अच्छा लगा। अगर आप यहाँ आते हैं, अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं, कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ एक बार विजिट कीजिए और यहाँ से लेके जाइए। तो आप इधर दिखा सकते हैं, ये स्कूटी है, ये आपको मिल जाएगा स्कूटी देखने को, चार्ज लेवल स्कूटी है। इसका सर कितना पड़ जाएगा लेने पर? ये आपको 3 घंटा में फुल चार्ज होती है जी, ये 80 किलोमीटर चलती है आपको। अच्छा, और इसका प्राइस 85 किलोमीटर है। अच्छा, 85 हज़ार है। अच्छा, इसका प्राइस 85,000 है। एक बार अगर आप 3 घंटे में चार्ज कर लेते हैं तो 80 किलोमीटर तक चल सकता है। और इसका देख सकते हैं बैटरी कह रहे हैं बैकअप भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। और एक बात बताइए कि इसमें देखो, आप देखने में भी अच्छा लगता है, बैठ के इधर से दिखा सकते हैं कि आप इधर से हमको दिखाए, देखने में भी बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। एक बात बताइए कि इसमें बैठने की लगभग सपना सबको होती है क्या सर? जी, इसमें बैठने के सपना सबको होती है, मगर गाड़ी को वही खरीद पाते हैं जिसके पास पैसा होती है। अगर आप एक आप इसको गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा है तब सब चीज़ है, नहीं तो अदरवाइज कुछ नहीं है। तो आप इसको यहाँ आएँ और ज़रूर विजिट कीजिए। और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और कुछ बचा क्या इसके बारे में? आज बढ़ते हुए महंगाइयों को, पेट्रोल के दाम रोज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए A1 ने इलेक्ट्रिक बाइक निकाला, और एक ब्रांडेड है अपनी कंपनी, इंडियन कंपनी है। हाँ, तो हम तो कहेंगे सब आदमी लें, अपना है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 12 रुपया पड़ेगी एक चार्जिंग की खर्च, और आप 80 किलोमीटर जा सकते हैं। अच्छा, तो जैसा कि देखा कि आपने भाई साहब, नो मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है ना, सर्विसिंग है कुछ नहीं है, इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं है, लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है इस गाड़ी में। अच्छा, एक बार आप ऑफिस में बैठे थोड़ा बहुत सर, एक बात बताइए कि आपने कब से शुरू किया? हमारा ये अभी तक 10 महीना हो चुका है। अच्छा, जैसा कि सर ने बताया 10 महीना हो चुका है, 10 महीने में अब तक आपके पास कितना तक गाड़ी बिक जाएगी, 100 तक गाड़ी? 10 महीने में अभी तक 152 गाड़ी बिकी है हमारी। अच्छा, तो 152 यहाँ गाड़ी बेच दिया आपका, मतलब देख रहे हैं कि स्वभाव भी अच्छा है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि और भी आपका काम अच्छा चले, और
जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जो लोग अपना काम नहीं पा रहे हैं, उसको ये चाहिए कि कम से कम टोटो खरीद ले, कम से कम 12,000 या आप क्या बोले कि कम से कम कितना जमा करना पड़ेगा, 65,000, कम से कम आप 65,000 जमा कीजिए और यहाँ से गाड़ी लेके जाइए और कमाइए और पैसा जैसे हो डाउन पेमेंट हो जमा करते रहिए। तो मिनिमम आपको यहाँ के लिए 13,000 ही जमा करना पड़ेगा। 13,000 हमारे और 52,000 आपके अकाउंट में रहेंगे। अच्छा, 52,000 आपके अकाउंट में रहेंगे, तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब से बात करके। तो चलिए मिलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।